गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 12 डिक्शनरी के टॉपिक ट्रैवर्सिंग डिक्शनरी, एक्सेसिंग की एंड वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिक्शनरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रैवर्सिंग मीन्स क्या होता है। इससे पिछले दो चैप्टर्स में भी हम लोगों ने ट्रैवर्सिंग पढ़ा है कि ट्रैवर्सिंग क्या होती है। एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स दिया गया है कि पाइथन अलाउ टू अप्लाई फॉर लूप टू ट्रैवर्स एवरी एलिमेंट ऑफ डिक्शनरी बेस ऑन देयर की। फॉर लूप विल गेट एवरी की ऑफ डिक्शनरी एंड वी कैन एक्सेस एवरी एलिमेंट बेस ऑन देयर की। ट्रैवर्सिंग मीन्स होता है कि जो हमारे पास जो डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी से एक एक एलिमेंट को की हेल्प से एक्सेस करना और उसको प्रिंट कराना। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, माई डिक्ट नाम से ये डिक्शनरी बनी हुई है, जिसमें एम्प्लॉय नंबर, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी ये की वैल्यू हैं। वन शिवम सेल्स 25,000, ये आपकी वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हमने इसको ये डिक्शनरी डिक्लेयर किया है। अब हम क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज़ करके एक की नाम का वेरिएबल लेते हैं। आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि की ही हो, आप कैसे ले सकते हो, कोई भी जो मनचाहे वेरिएबल वो ले सकते हो। जब तक से माय डिक्शनरी में ये इसको वैल्यू मिलती रहेगी, ये क्या करेगा, की कॉमा इज इक्वल टू, मतलब ये एम्प्लॉय नंबर प्रिंट होगा और माय डिक्ट की उसकी एम्प्लॉय ये वैल्यू वन और शिवम डिपार्टमेंट सेल्स और ये 25,000 ये चीज़ प्रिंट होती रहेगी। आगे देखते हैं कि कैसे आप एक्सेस करोगे। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है माय डिक्ट, ये वही ऊपर वाली डिक्शनरी यहाँ पर दी गई है। अब हमने क्या किया है, माय डिक्ट डॉट कीज फंक्शन, माय डिक्ट डॉट कीज फंक्शन की हेल्प से ये हमारे पास कीज आ चुकी हैं कि एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। वैल्यूज़ करनी है तो माय डिक्ट डॉट वैल्यूज़, ओनली वैल्यूज़ आपको ये शो होंगी। यहाँ से कह रहा बी कैन कन्वर्ट द सीक्वेंस रिटर्न बाय कीज एंड वैल्यू बाय यूजिंग लिस्ट एस ऑन एस। तो लिस्ट में कन्वर्ट कर देना है हमें कीज़ को। लिस्ट में क्या होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में हमारी कीज़ कॉमा से सेपरेटेड आ जाएंगी। तो लिस्ट का यूज़ किया, माई डिक्ट ये जो डिक्शनरी का नाम है, डॉट कीज़, तो जितनी भी कीज़ हैं वो लिस्ट की फॉर्म में यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो जाएंगी। इसी तरीके से हम वैल्यूज़ को लिस्ट की फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, क्या क्या एडवांटेज होती हैं डिक्शनरी की। पहला है अनऑर्डर्ड सेट, मतलब डिक्शनरी का कोई ऑर्डर नहीं होता। कह रहा ए डिक्शनरी इज़ अ अनऑर्डर्ड सेट ऑफ की वैल्यू पेयर, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है कि की हमारी स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर हो सकती है, इसी तरीके से ऑर्डर नहीं होता इसका। दूसरा नॉट अ सीक्वेंस, कह रहा है अनलाइक अ स्ट्रिंग टपल एंड लिस्ट अ डिक्शनरी नॉट सीक्वेंस बिकॉज इज एन इट इज अनऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स। द सीक्वेंसेस आर इंडेक्सेस बाई अ रेंज ऑफ ऑर्डिनल नंबर, हैंस दे आर ऑर्डर्ड बट अ डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड कलेक्शन। इंडेक्सेस बाई कीज नॉट नंबर, जैसे हम लिस्ट में जितने भी एलिमेंट होते थे, टपल्स में जितने एलिमेंट होते थे, उसकी हर एक एलिमेंट की हम इंडेक्सिंग करते थे, लेकिन इसमें डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी में क्या होता है कि इंडेक्सिंग की जाती है। कह रहा है डिक्शनरी आर इंडेक्सेस बाई कीज़ आर इम्यूटेबल टाइप, इम्यूटेबल टाइप मतलब की को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है।
की मस्ट बी यूनिक, मतलब की जो है वो यूनिक होगी, रिपीट नहीं होंगी, जैसे पहली वन है, फिर टू है, फिर थ्री है, फिर फोर है। कह रहा है एंटर की विद इन डिक्शनरी मस्ट बी यूनिक, हाउएवर टू यूनिक की कैन हैव सेम वैल्यू, वैल्यू सेम हो सकती है, जैसे ये 200 है, ये 200 है। जैसे सपोज दैट अगर हम किसी का डेटाबेस बना रहे हैं एम्प्लॉयज़ का, तो कई एम्प्लॉयज़ की सैलरी एक जैसी हो सकती है, लेकिन उनकी एम्प्लॉय आईडी एक नहीं होगी, ठीक है। म्यूटेबल, कह रहा लिस्ट लाइक डिक्शनरी आर ऑल्सो म्यूटेबल, वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ अ सर्टेन की इन प्लेस, मतलब की इम्यूटेबल होती है, वैल्यूज म्यूटेबल होती हैं, जैसे डेटा थ्री, डेटा और थ्री इंडेक्स पे, मतलब जीरो इंडेक्स, वन इंडेक्स, टू इंडेक्स और थ्री इंडेक्स, मतलब फोर की वैल्यू हमें 400 करनी है, तो जिसको हम यहाँ पर ये 200 की जगह 400 चेंज कर सकते हैं। कह रहा सो टू चेंज वैल्यू ऑफ डिक्शनरी द फॉर्मेट इज डिक्शनरी नेम की और न्यू वैल्यू, यू कॉन्ट ऑनली चेंज बट यू कैन ऐड न्यू वैल्यू पेयर, कह रहा आप चेंज नहीं कर सकते लेकिन नई वैल्यू उसमें ऐड कर सकते हो। तो ये इतना है आपको, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।